नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और मैं स्वागत करता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कल का बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का, कल यानी 23 अगस्त के लिए। अच्छा, यदि मैं कल वाले वीडियो की परफॉर्मेंस की बात करूं, जबरदस्त रहा। मैंने आपको बताया था कि देखो बैंक निफ्टी दोनों साइड जाएगा, आज क्या हुआ, ऊपर भी गया और लास्ट में नीचे भी आया। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कल वाली वीडियो में, ध्यान है, मैंने बोला था 44,140 के नीचे जितना सस्टेन करेगा शॉर्ट करके चलना है। वहां से बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट का आपको फॉल दिया लास्ट में, ठीक है। और आज मैंने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के जबरदस्त ट्रेड दिए, रेंज बाउंड मार्केट में भी मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ देके मैंने प्रॉफिट बनवाया, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही आज की। अब आज की वीडियो में भी मैंने कल के लिए 3 जैकपॉट ऑप्शंस ट्रेड फ्रेश किए हैं, जो कि कल आपको शानदार पैसा बना के देने वाले हैं, ठीक है। देखो मार्केट एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न में है, अब ये कौन सा पैटर्न है ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। इसी के साथ 2 स्टॉक भी मैंने डिस्कस किए हैं जो कि कल शानदार भागने वाले हैं। बस ट्रेडर्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक एम रखते हैं 7000 प्लस, कमेंट एम रखते हैं 700 प्लस। दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत कम हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आज देख लो, आज भी इतना चौपी मार्केट था, बट फिर भी यार मैंने आप लोगों को बढ़िया ट्रेड दिया, यूट्यूब पे लाइव आया था, पैसा बनाया हमने। इतना कुछ करने के बावजूद भी यार, मतलब होता ना मन में कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोग 3000 लाइक दे रहे हैं, बताओ। देखो ऐसा तो मुझे बेकार लगता है, मैं आपको लिटरली बता दूं, ठीक है। बस मेरे को क्या चाहिए, आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, दिस इज ऑल आई वांट ट्रेडर्स, ठीक है। तो आप लोग यार प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो को। सो गाइस, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं मैं, ठीक है। तो आज भी यहां पे आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे क्लोज होके गया है और आज भी बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट करके गया है, ठीक है। यूएस का जो फ्यूचर्स है 70 पॉइंट प्लस है, एक हल्का सा पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिलेगा यूएस मार्केट में, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली, समझते हैं बैंक निफ्टी को। सो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो पैटर्न है वो है ये बॉक्स पैटर्न, देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स पैटर्न को बहुत ये दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बॉक्स पैटर्न का रेजिस्टेंस है 44,150, ठीक है, और ये सपोर्ट है 43,700, ठीक है। दोस्तों ये लगभग हमारा हो गया 450 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है। प्लस दूसरा चीज ये है, मैं आपको दिखा दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है वो क्या है, स्टिल बैंक निफ्टी ये डाउन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है, तो कल भी मार्केट जो बैंक निफ्टी है दोनों साइड जा सकता है, ध्यान रखिए। देखो सेटअप पे काम करो, पैसा बनेगा, आज जबरदस्त हमने पैसा बनाया है, आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। देखो जी, तो अभी क्या है सिनेरियो समझते हैं। देखो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी जब तक इस डाउन ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के नीचे रहता है, ठीक है, डीटीएल के रेजिस्टेंस के नीचे, दूसरा प्लस बॉक्स पैटर्न के रेजिस्टेंस के नीचे हमको सेल करके चलना है जब तक इसके नीचे रहता है। बोले तो रेजिस्टेंस है 44,150 एंड 44,070, इन दो रेजिस्टेंस के नीचे हमको सेलिंग ही करके चलनी है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, देखो फर्स्ट टारगेट जी हमारा ये वाला है, ये कितना क्या पता है आपको टारगेट 43,900। सेकंड पता है क्या है, सेकंड हमारा 43,800, ठीक है जी, 43,800। लास्ट है हमारा ये सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट, बॉक्स पैटर्न का सपोर्ट जो कि है 43,700। ये 3 टारगेट होंगे। अच्छा अब आज देखिए क्या हुआ, मैंने आपको YouTube वीडियो में बताया था कि अगर 44,140 के नीचे रहेगा बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट सेल करके चलना है, डिट्टो ये वही हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आया, ठीक है। अब सुनो, अब एक रेंज बना के नीचे आया बैंक निफ्टी, प्लस दूसरा ये देखो एक अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया बैंक निफ्टी ने, अब ये नीचे आने को रेडी हो चुका है। सेम यही पैटर्न देखो मैं बता रहा हूं, ये फॉलो देखो हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं, देखो 10 मिनट के चार्ट पे लुक एट इट। सेम देखो यही अप ट्रेंड लाइन का पैटर्न टूटा था, नीचे आया था, सेम वही अप ट्रेंड लाइन का पैटर्न टूट चुका, अब ये नीचे आएगा। तो कल हमको बेच के चलना है जी, किसके नीचे पता है, देखो ये बॉक्स पैटर्न 43,950 के नीचे, यानी इस बॉक्स पैटर्न के नीचे 43,950 के नीचे टारगेट फर्स्ट होगा 43,800, सेकंड टारगेट होगा 43,700, ठीक है जी। अच्छा चलिए नाइस, इन केस में कौन सा पुट ऑप्शन लोगे, सुनिए, इस केस में 44,300 का आप लोग पुट ऑप्शन लोगे 24th ऑफ अगस्त वाली एक्सपायरी का, ये आपको 320 से 330 के अबव लेना है। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 300 का, टारगेट होगा 360, 390,
440. ऑल राइट, ये है हमारा सेलिंग जोन, इस प्रकार से हमको सेल करके चलना है. ओवरऑल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्रीटिंग बॉक्स पैटर्न, वी आर जस्ट ट्रेडिंग द बॉक्स पैटर्न, हम ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है, दैट्स सो सिंपल. अब पैनिक सेलिंग पता है किसके नीचे आएगा, पैनिक सेलिंग आएगा इस ऑफ कोर्स बॉक्स पैटर्न के नीचे, 40 यानी 43,700 के नीचे हमको पैनिक सेलिंग फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा, 43,600 और 43,400 के टारगेट के लिए, ठीक है. यहाँ पे कौन सा पुट ऑप्शन लेना ये बता दूंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा. राइट, देखो जी, बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरना है तो मैंने कल आपको कल वीडियो में बताया था यही पैटर्न बार बार बना रहा है और इसी पैटर्न को तोड़ेगा तभी जाके पैनिक सेल आएगा, एक ट्रेंडी मार्केट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है. ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, हर बार देखो यही अपना बॉक्स पैटर्न फॉर्म करके गिर रहा है, बॉक्स पैटर्न फॉर्म करके गिर रहा है, बॉक्स पैटर्न फॉर्म किया और ये ट्रेंडी मूव बनेगा इसके नीचे, क्लियर है. अब समझते हैं थोड़ा बाइंग किसके ऊपर आएगा. देखो जी, बाइंग आएगा इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर, ठीक है, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर. रेजिस्टेंस कितना है, 44,150 के ऊपर हमको बाइंग देखने को मिलेगा. फर्स्ट टारगेट पता है क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 44,250, ठीक है. सेकेंड टारगेट होगा हमारा 44,350 एंड लास्ट टारगेट हमारा 44,540 का. तो जी ये तीन टारगेट हैं बाइंग अगर आएगी तो. बाइंग में पता है क्या करिएगा आप लोग, सुनिए ध्यान से, लेकिन ध्यान रखना इट हैज टू कंसोलिडेट. देखो ये बॉक्स पैटर्न के ऊपर तो बाय करके चलना ही है, ये तो रीजन है ही है. दूसरा रीजन ये होगा बाय करने का कि ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट कर दिया होगा, ठीक है. बट हाँ, एक दो कैंडल नहीं, इट हैज टू क्लोज अबव एटलीस्ट, मतलब आप वहाँ पे आधे घंटे सस्टेन होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे काम करिएगा. अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड चाहिए प्रीमियम वाले, आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है, सच एज एंजल ब्रोकिंग अलाइस ब्लू, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करिए, फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए, देन इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, देन हम आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे. आज का दिन फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जबरदस्त गया, स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है. अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, राइट ना. अच्छा, कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे पता है किसमें, कौन सा 43,800 का आप लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, ठीक है, जब तोड़ेगा बैंक निफ्टी 44,150 का लेवल, उस केस में 360 ये आपको मिल जाएगा, 360 के अबव लेना है. स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 350 का, टारगेट वुड बी 440, 460 एंड 500. ऑल राइट दोस्तों, तो ये है, देखो मैं आपको लगातार बता रहा हूं मार्केट अभी ट्रेंडी नहीं है, नहीं है, सिंपल आपको मार्केट में दोनों साइड व्यू रख के चलना है. तो आप लोग प्लीज यार अभी ऐसा मत करिएगा, वन साइड व्यू होके मत फंस जाइएगा, सब कुछ बता चुका हूं सटीक. वन मोर थिंग, स्कैल्पिंग करेंगे हम इसके बीच में. आज मैंने क्या किया, स्कैल्पिंग किया 44,150 और 43,700, ये 4.5 पॉइंट की रेंज में, रेंज है इसमें, स्कैल्पिंग करेंगे. यहाँ पे देखो 44,150 के आसपास सेल करेंगे और 43,700 के आसपास हम कवर करेंगे शॉर्ट्स को, या 43,700 के आसपास अगर बुलिश हमारा दिखता है बाय करेंगे, 44,150 के आसपास हमारा टारगेट होगा. तो ये स्कैल्पिंग हम करेंगे, स्कैल्पिंग तो मैं आपको ट्रेड देता ही रहता हूँ, कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा. मतलब मेन हमारा ये स्कैल्पिंग जोन है, स्कैल्पिंग जोन बहुत बड़ा है, तो हम आराम से इसमें स्कैल्पिंग करने वाले हैं फॉर श्योर. आई होप मेरी बात को समझ चुके हैं, निफ्टी जानते हैं. आपको पता है 98% जो ऑप्शन बायर हैं वो पैसा गमाते हैं ऑप्शन बाइंग में. ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च में पाया गया है. क्यों, क्या होता है, मैं आपको रीजन बता दूं. देखो पहली बात, 4 दिन कमाएंगे और 5वें दिन 4 दिन का प्रॉफिट इकट्ठे दे देंगे. दिमाग में क्या सोच के रखते हैं वो, मैं ना 15-20 पॉइंट के लॉस में निकल जाऊंगा. लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड में होते हैं ना वो, तो वो होप ट्रेडिंग करते हैं. 20 से 30 पॉइंट का लॉस में होल्ड करेंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसी लॉस बढ़ते रहेगा और वो 60, 70, 100 पॉइंट के लॉस तक होल्ड करते रहेंगे. प्रॉफिट में 5 से 10, 15 रुपए में तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है, डर के मारे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस. लेकिन लॉस में 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट तक होल्ड करते रहेंगे. गलत एंट्री, गलत एग्जिट, यही सब कारण से लोगों का लॉस होता है. इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैं आप लोगों के लिए, प्रभात आपके लिए लेके आया है बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग एंड मेंटरशिप बैच. इस बैच में आप लोग मेरे साथ पूरा 1 मंथ तक लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं. मैं जो भी 1 मंथ तक मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स लूंगा वो आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है. एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा, ठीक है, एसएल बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा और हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊंगा, ताकि आप लोग ट्रेड्स के पीछे का रीजन जान सके और खुद भी ट्रेड फाइंड आउट कर सके नेक्स्ट टाइम से. दोस्तों मेंटरशिप बैच को हमको करते हुए अभी तक 90 डेज हो चुके हैं एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 3 महीने हो चुके हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने केवल इसमें 8 डेज लॉस किया है, वो भी स्मॉल लॉस. बाकी हमने कंसिस्टेंट 82 डेज हमने कंसिस्टेंट पैसा बनाया है.
ये प्रूफ है हर एक दिन का रिकॉर्डिंग, जब आप लोग परचेस करेंगे इसका एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को, राइट। हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर पैसा बना रहे हैं मेंटरशिप बैच के थ्रू, और 2 से 3 दिन में हमारे स्टूडेंट्स पैसा रिकवर कर रहे हैं, मतलब फीस रिकवर कर पा रहे हैं, राइट। ये पावर है मेंटरशिप बैच का। अभी फीडबैक शो करूंगा, फीडबैक पढ़िएगा जरा आप लोग, ठीक है। प्राइस कितना जाना होगा, प्राइस कितना है? अच्छा, प्राइस से पहले क्लासेस का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। 25th ऑफ अगस्त को अब मेरी क्लास स्टार्ट होगी, 1:30 बजे रहेगा दोपहर में, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, देखो प्राइस मैनेज है 5,500 रुपीज, लेकिन इसमें भी हमने एक डिस्काउंट किया, 1,000 रुपीज हमने ऑफ किया, ये पड़ेगा 4,500 रुपीज में। ये मतलब जितना आप लोग लॉस करते हो उससे भी ये मिनिमल है, ठीक है। और इतना मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि ये 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाएगा अगर आप सही से ध्यान देते हैं क्लासेस पे तो। और देखो 1 महीना अगर आप मेरे को अपना देते हो ना, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस कवर हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करिए। मैं आपको मिलता हूं 25th ऑफ अगस्त को। देखो भी निफ्टी का क्या सिनेरियो है, निफ्टी भी दोनों साइड है, निफ्टी अभी स्टिल बाय नहीं करके चलना है अभी, ठीक है। अब देखो समझते हैं बॉक्स पैटर्न में निफ्टी स्टिल क्या करता है, जब भी बॉक्स पैटर्न का रेजिस्टेंस लेता है नीचे आता है, तो रेजिस्टेंस ले चुका है, कलम को सेल करके चलना है किसके नीचे, निफ्टी को 19,380 के नीचे टारगेट होगा 19,340, 19,280 दो टारगेट, 19,400 का आप लोग पीई ले सकते हैं 24th ऑफ अगस्त वाली एक्सपायरी। ऑल राइट ट्रेडर्स, ये तो रहेगा सिंपल। अच्छा दूसरा सुनिए, दूसरा पैनिक सेलिंग होगा 19,250 के नीचे, क्योंकि हमारा डेज लो है, आप समझ पा रहे हैं ये चीजें हैं, राइट। अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारा बैंक निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच का नया रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आज हमने लाइव ट्रेडिंग किया था, बहुत ही जबरदस्त दिन रहा, स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे हमारे मेंटरशिप बैच के ट्रेड्स की, जरा देखिए आप लोग, मजा आ गया आज तो, ठीक है। तो क्लासेस 25th ऑफ अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है, लिंक पे क्लिक करिए, ज्वाइन करिए मेरे साथ, लाइव ट्रेडिंग करने का मौका पाइए, ठीक है ना। ये है तो पैनिक सेलिंग समझ चुके हैं, 19,250 के नीचे आएगा। अच्छा बाइंग समझते, देखो बाइंग कैसे आएगा, बाइंग आएगा भैया इस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर, ध्यान रखना, यानी इस डाउन ट्रेंड लाइन का देखो रेजिस्टेंस है 19,500, ठीक है। ये देखो डाउन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, प्लस इस बॉक्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी 19,500 के ऊपर हमको फ्रेश बाय करके चलना है, 19,550, 19,640 ये दो टारगेट रहेगा। चलिए जी जानते हैं स्टॉक्स अपने, ठीक है। ध्यान रखो बैंक जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, स्पेशली HDFC बैंक। कल के लिए दो स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक और एलिकॉन, दोनों स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल और हमारे PTS ऐप पे। आज तो हमने मतलब जबरदस्त ट्रेड दिया आप लोगों को हमारे PTS ऐप पे और हमारे नेट टेलीग्राम चैनल पे। देखो पहली बात, फिर निफ्टी के तीन ट्रेड गए, 19,700 के पुट में 21%, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा 19,700 के पुट में 10%, अच्छा दिन रहा। उसके बाद चार हमने बैंक निफ्टी के ट्रेड दिए, 43,800 का ऑप्शन 40 पॉइंट, 44,200 पुट ऑप्शन 14 पॉइंट, 44,200 पुट ऑप्शन 44 पॉइंट, 43,900 का ऑप्शन 18 पॉइंट। देखो रेंज बाउंड मार्केट में भी पैसा बनवा के दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। और मैं डंके की चोट पे बोल दूं, ये देखो मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं, कोई इतना सपोर्ट नहीं करता लाइव मार्केट में इतना आपको ना, जब आप पैसे दे हो, जब आप दूसरों को जब देते हो तब जाके इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, पेड सब देते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, मेरे PTS ऐप पे दिया था, मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे दिया था। कल भी शानदार ऑप्शन ट्रेड दूंगा, ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड्रॉइड iOS दोनों का है हमारा ऐप, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारा नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 1,27,700 सब्सक्राइबर है। ऑल राइट, चलो तो इलेक्ट्रॉन को बाय करके चलना है 857 के ऊपर, या तो 840 के आसपास आप बाय करके चलना, BOD करके चलना। ऑल राइट, अच्छा HDFC बैंक जानते हैं, HDFC बैंक देखो उछाल में बिकवाली करके चलना है, ऑलवेज उछाल में आप बेच के चलेंगे, करीबन 1600 के आसपास मिलता है, उछाल में बिकवाली करके चलो, या तो फ्रेश बिकवाली करके चलो किसके नीचे, डेज लो के नीचे, 1580 के नीचे हमको सेल बिलो करके चलना है, दैट्स सो सिंपल। चलिए जान लेते हैं सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड। तो मैंने क्या बताया आपको, यदि बैंक निफ्टी 43,700 का लेवल तोड़ता है पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, वहां पे 44,100 का पुट ऑप्शन लेना आप लोग, ठीक है, 24th ऑफ अगस्त वाली एक्सपायरी, या आपको करंट मार्केट प्राइस पे लेना है, क्योंकि देखो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि बैंक निफ्टी जब तोड़ रहा होगा तो इसका प्रीमियम क्या चल रहा होगा, तो उस टाइम पे जो भी इसका CMP चल रहा होगा जब तोड़ रहा होगा उस टाइम पे आप ले लीजिएगा। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखिए मैं ये देखता हूं यार कि इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी आप लोग बड़े कम, कल वाली वीडियो पे केवल 2900 लाइक्स आए हैं, मतलब लिटरली यार, मतलब ये देखो मेरे को बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि जब मेरे दिन खराब होते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब आज इतना बढ़िया दिन रहा तो आज लाइक्स और कमेंट आप करिएगा प्लीज, ठीक है, बस मेरे को आप लोगों का
कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए इसी प्रकार से। थैंक यू गाइज, मिलता हूँ मैं कल, बाय।